हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले पापा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट्स जो अलग अलग कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी की एग्जाम डेट्स क्या रहेंगी, क्योंकि जुलाई से दिसंबर में आप सभी के एग्जाम जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आए हैं उनके शेड्यूल्ड हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन नोटिफिकेशन के एग्जाम इन 6 महीनों में शेड्यूल्ड है, जिससे आप सभी अभी से ही अच्छे से प्रिपरेशन करने में लग जाएं। साथ ही नए नोटिफिकेशन आपके जुलाई से दिसंबर के बीच में आपके कौन कौन से आने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फटाफट से सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारी अपडेट्स जो है जो यहाँ पर आपको रहती है वो सारी टेलीग्राम ग्रुप में आपकी डाली जाती है। अब फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम आपके जुलाई से शेड्यूल्ड है। तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम है, एक एक मंथ वाइज मैं चलूंगा। पहला आपका एग्जाम है SSC MTS का, जो कि आप सभी जानते होंगे 5 जुलाई से ये एग्जाम आपका शेड्यूल्ड है, ठीक है। दूसरा जो आपका एग्जाम आता है वो आपका बैंकिंग सेक्टर से आपका आता है, जो क्या है, आता है IBPS RRB PO का, जो कि 7 अगस्त से 13 अगस्त में आपका प्रीलिम्स आपका कंडक्ट होगा, और बात करें मेंस की वो आपका 24 सितंबर को कंडक्ट होगा। फिर IBPS RRB क्लर्क का जो एग्जाम है, प्रीलिम्स आपका 14 अगस्त और 20 अगस्त को होगा, मेंस आपका 1 अक्टूबर को कंडक्ट होगा। एक चीज और अभी सुनने को आ रही है कि ICER की जो एक्सपेक्टेड डेट है असिस्टेंट की, वो आपकी 28 जुलाई आपकी होने वाली है, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं, जिसकी वजह से अभी कंफर्म नहीं है, ये अभी तक एक्सपेक्टेड है। तो आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करिए उस एग्जाम के लिए। फिर नेक्स्ट जो आपका जो एग्जाम है वो आपका IBPS क्लर्क का है, जिसका हाल ही में अभी एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है। इसको आप 21 जुलाई तक भर सकते हो, लास्ट डेट है। और इसका जो आपका एग्जाम है IBPS क्लर्क का, वो आपका 3 सितंबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और मेंस आपका 8 अक्टूबर को आपका कंडक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट SBI क्लर्क का आपका नोटिफिकेशन आपका जो है वो आपका आएगा, जिसका एग्जाम आपका 21 सितंबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और 5 नवंबर को आपका मेंस का होगा। फिर इसके बाद आपका SBI PO का आपका जो है वो आपका नोटिफिकेशन आपका आएगा, जिसका एग्जाम जो है वो आपका 12 अक्टूबर को आपका कंडक्ट होगा और आपका जो प्रीलिम्स आपका जो मेंस है वो आपका 19 और 20 नवंबर को आपका कंडक्ट होगा। इसके बाद एक जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आपका सुनने में आ रहा है, वो आपका नाबार्ड ग्रेड 1 आ रहा है, जिसका नोटिफिकेशन लास्ट ईयर भी आपका जुलाई में आया था। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 2nd वीक तक आपका आ सकता है। तो उसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी सितंबर के 1st वीक में आपकी कंडक्ट हो सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो BIS को लेके है, कि BIS का एग्जाम आप सभी का कब होगा, आप सभी बड़े ही बेसब्री से आप वेट कर रहे हैं। तो इसका जो एग्जाम है वो आपका सितंबर के मिड से आपका एक्सपेक्ट होने के चांसेस हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जो अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से आप प्रिपेयर करें। साथ ही IBPS PO की अगर हम बात करें, तो इसका जो एग्जाम है आपका 15 सितंबर को आपका जो प्रीलिम्स का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, और आपका जो मेंस होगा वो आपका 26 नवंबर को आपका कंडक्ट होने के आसार है। तो इस तरीके से आपकी जो एग्जाम डेट्स हैं वो आपकी अलग अलग एग्जाम्स में रहने वाली हैं। इवन जितने भी स्टूडेंट जो बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए हर अलग अलग मंथ में अगस्त से स्टार्टिंग है और लास्ट जो है वो आपका दिसंबर तक आपका जाएगा। तो आप सभी बहुत ही अच्छे से इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, जिससे किसी ना किसी एक फाइनल पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो सकें, जिससे जो आपने एक फर्म है जो आपने लिया था, एक ओथ आपने जो ली थी जो 1 जनवरी 2022 को ली थी, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको पूरा कर सकें और 1 जनवरी 2023 को आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकें, जिससे आपके हाथ में एक फाइनली जॉब होगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। बाकी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, इस चैनल पर भी बता दूंगा। तो उसके लिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके।